पैटर्न ते वो कोर्ट के पूरा वाली रिपोर्ट खारिज हुई सी बहबल कला देवी खारिज करो लेकिन खारिज तो नहीं हुई असी मानजोग हाई कोर्ट दे विच सिर्फ एक लाइन दी बहस की थी एक लाइन की रिपोर्ट अदालत दे विच पई होगी सेशन अदालत फरीदकोट रिपोर्ट ओरिजिनल मंगा लो पढ़ लो एक लाइन दी गलती होवे क्वेश करो कोई जेड़ा परिवार है ना उस परिवार दे खिलाफ कोई बोल के राजी नहीं है कोई अफसर ही नहीं है समन तो कर लिया सुनो तो सही अफसर कोई है ही नहीं जी अफसर ही नहीं है जेकर अफसर हुंदा तो नशे दे थोक व्यापारी दा रिमांड ले सकते सी रिमांड मतलब कोई तैयार ही नहीं ना तो चन्नी साहब की सरकार दे वेले ना हुन भी अफसर ही नहीं अफसर जेकर कोई होगा उस परिवार दे खिलाफ कोई काम ही नहीं कर सकता है तो देखो ताही नौकरी जदों छड़ी सी मैं नौकरी छड़न तो बाद मेरा फेसबुक तुसी आज जरूर देखना 13 अप्रैल 2021 का जेकर इंसाफ दुनिया में अदालत नहीं करेगी जेकर सरकार नहीं करेगी कोई भी होवे तो गुरु गोबिंद सिंह जी अद्दी अदालत ने करना ही करना है जिस बंदे के खिलाफ इन्ना सबूत होवे सीधा गिरफ्तार करेगी ठीक है ना जी सीधा गिरफ्तार करके अंदर करो 7 साल हो गए जी 7 साल हो गए गिरफ्तारी होनी चाहिए है सीधी गिरफ्तारी है जना जना के खिलाफ सबूत है जी मेरी रिपोर्ट थोड़े सामने है जी और उस रिपोर्ट में तुसी देखो सारे दे खिलाफ सबूत है जी हर दोषी देखो कोई चोरी करके ले जाता है ना एक मोटरसाइकिल चोरी करके वो भी कहता है कोर्ट दे विच जिन मैं चोरी नहीं की जबकि सारा सबूत हुंदा है सीसीटीवी कैमरा भी लग्या हुंदा है छोटे छोटे लोगों नु तुसी फड़ के देखो जेकर 7 साल बाद भी तुसी सम्मन कर रहे हो तो ये देखो मैं तो यही कहा कि नाकामयाबी है सिस्टम की सीधी गिरफ्तारी करो गिरफ्तार करके सबूत अदालत दे विच दो देखो 9 अप्रैल नु रिपोर्ट खारिज हुई सी तो आज 25 अगस्त है जी 1 साल 4 महीने हो गए जी 1 साल 4 महीने हो गए कोई भी व्यक्ति आया नहीं ना कि हाँ ये लाइन गलत है जी हूं भी मैं लाइव होके तैयार हूं जी जेकर कोई आंदा है ना कि ये लाइन गलत है तो मैं उसे टाइम लाइव हो जावांगे जी असी सोशल मीडिया ते लाइव हो जावांगे लेकिन किसे नु हिम्मत है तो एक लाइन दी गलती कट देवे जी सिर्फ ते सिर्फ देखो उम्मीद कर सके लोगों दे विच भी इंसाफ दी तुहाडी देखो उम्मीद तो असी कर सकते हां लेकिन करेगा कौन गलत ए है कि वो जेड़ा परिवार है ना जी उस परिवार दे खिलाफ कोई बोल के राजी नहीं है कोई अफसर ही नहीं है समन तो कर लिया सुनो तो सही अफसर कोई है ही नहीं जी अफसर ही नहीं है जेकर अफसर हुंदा तो नशे दे थोक व्यापारी दा रिमांड ले सकते सी रिमांड मतलब कोई तैयार ही नहीं ना तो चन्नी साहब की सरकार दे वेले ना हुन भी अफसर ही नहीं है अफसर जेकर कोई होगा उस परिवार दे खिलाफ कोई काम ही नहीं कर सकता है तो देखो ताही नौकरी जदों छड़ी सी मैं नौकरी छड़न तो बाद मेरा फेसबुक तुसी आज जरूर देखना 13 अप्रैल 2021 का मैं लिख दिता सी कि मैं अपनी अपील गुरु गोबिंद सिंह जी दी अदालत दे विच रख दिती है जी ते इंसाफ उन्होंने करना है तो जेकर सुनो 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 तो सही नहीं नहीं देखो जेकर इंसाफ दुनिया में अदालत नहीं करेगी जेकर सरकार नहीं करेगी कोई भी होवे तो गुरु गोबिंद सिंह जी अद्दी अदालत ने करना ही करना है जी ताही देखो 1 साल 4 महीना पहला 13 अप्रैल नु मैं कुछ सोच विचार के ही अपील पाई सी ना जी कि ए उदो तो मैं किसी पार्टी दे विच भी नहीं सीगा उदो तो मैं नौकरी छड़ी सी आईपीएस की नौकरी छड़ना कोई साधारण काम नहीं है जी ये गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है आईपीएस जो बच्चे कर रहे ने तुसी पूछो ठीक है ना एक मेरी गलत सुनो ना मेरी गल सुनो जदो मेरी गलत सुनो 13 अप्रैल 2021 जदो मैं फेसबुक पोस्ट लिखिया सी उदो मैं किसी पार्टी दे विच नहीं सीगा जी उदो ही मैं लिख दिता सी कि ए अपील गुरु गोबिंद सिंह जी दी अदालत दे विच मैं कर रहा जी कुछ सोच विचार के ही ना मैनू कानून दा भी पता है जी LLB कीती हुई है और आज भी मैं एक प्रोफेशनल एडवोकेट हाँ पुलिस दे बारे देखो पंजाब पुलिस रूल दे बारे पूरी जानकारी रखदा हूँ इस मुल्क दे कॉन्स्टिट्यूशन दे बारे पूरी जानकारी रखदा हाँ फिर भी गुरु गोबिंद सिंह जी दी अदालत दे विच जान दी क्यों लोड़ पई ए तुसी सोचो आप सोचना देखो कोई कोई अफसर गिरफ्तार करन दी तवज्जो रख सकता है कोई हिम्मत रख सकता है ना तो गिरफ्तार करे जी सीधी सी गल है जिस बंदे दे खिलाफ है ना सबूत होवे सीधा गिरफ्तार करे जी ठीक है ना जी सीधा गिरफ्तार करके अंदर करो 7 साल हो गए जी 7 साल हो गए गिरफ्तारी होनी चाहिए सीधी गिरफ्तारी जना जना दे खिलाफ सबूत है जी मेरी रिपोर्ट थोड़े सामने है जी
ਉਹ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੋਸ਼ੀ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਉਹ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਖਾਰਿਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਾ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ ਜੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰਿਪੋਰਟ ਓਰਿਜਨਲ ਮੰਗਾ ਲਓ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਕੁਐਸਟ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕੁਐਸਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਾ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਕਦਮਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਫਸਰ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਮਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਬੂਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਸਾਰਾ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੋਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਦੋਸ਼ੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇਗਾ ਔਰ ਜੋ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਕਰ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਦੇਖੋ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਬਣਾਊਗੀ ਔਰ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ ਚਲੋ ਨਾ ਹੋਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ।